हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स से देखिए, अभी ना हम लोग रेडी हो रहे हैं सबको। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने ये साड़ी पहन ली है और कपड़े वगैरह भी देखिए वहीं से मैंने ला के रखे हुए थे ना, ऐसे ही पड़े हुए हैं, आज मैंने फोल्ड नहीं किए। और यहाँ पर देखिए मेरा सारा मेकअप वगैरह हो गया है और बस थोड़ा सा ही मेकअप रह गया, बालों को संवारूंगी और बस आधा कर लिया है, आधा मेकअप मेरा रहे। गर्मी बहुत लग रही है और हमारे इधर ना दिन भर लाइट ही नहीं है, तो इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हम लोग सिर्फ लाइट जलाए हैं। पर मौसम ठंडा है क्योंकि बारिश हो रही थी दिन में। और अभी देखिए लाइट आती है कि नहीं, फ़ैन ऑफ है क्योंकि चल ही नहीं रहा है, दिन भर लाइट नहीं है। बस अभी देखिए मैं बिंदुर सिंदूर ये सब लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, आयांस को कपड़े पहना लेती हूँ, फिर आप सभी के साथ मिलती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आयांस को कपड़े पहना ही दे रही थी, मैं सब चीज़ निकाल के ही रखी थी, लेकिन ना मैं सोच रही थी कि इसको ना मैं हमेशा लास्ट में तैयार करती हूँ, क्योंकि फिर ये बहुत बदमाशी करता है ना, तो ये कपड़े वगैरह बिगाड़ देता है इसी वजह से। लेकिन ये माना नहीं, क्योंकि आदित्य और आशी पहले से ही रेडी होकर घूम रहे थे और जैसे घर में गर्मी लग रही थी तो वो दोनों बाहर चले गए थे, तो इसको भी बाहर जाना था। तो बस अभी मैंने इसको कपड़े पहना दिए हैं और अभी हल्का फुल्का पाउडर लगा दूँगी बस, और वो रेडी हो जाएगा। उसको मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हुई और पसीने पसीने आना शुरू हो गया। तो बस अभी मैंने जितना मेकअप किया है अभी उतना। जंगली मकड़ी है, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय बोलो। मेरा नाम आयांश कुमार है। हम तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ अच्छे से, और गर्मी थी ना, गर्मी बाहर भी होगी तो इसी वजह से देखिए मैंने जूड़ा बना लिया है और ये रेडीमेड गजरा भी लगा लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ और आप सभी को आने के बाद मिलूँगी, क्योंकि मैं शादी में जा रही हूँ तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो आयान से यहाँ पर रेडी हो गया है, आदित्य आशी तैयार होके बाहर है। तो फ्रेंड्स, तुम भूत बन गया है? हाँ। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं आपसे आके मिलती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं मिल रही थी डायरेक्ट सुबह, और सुबह बस बच्चों को मैं लंच बना दे रही थी, तो बिल्कुल भी स्कूल भेजने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम चल रहा था बच्चों का। तो यहाँ पर मैं जल्दी आलू और भिंडी रखी हुई थी, तो मैंने इसमें आलू मिक्स कर दिया, वो कम थी भिंडी तो फिर इसमें आलू मिक्स किया, ज़्यादा हो गया, और अभी हम लोग का सबका ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये अगारो का मल्टी कुक केटल विथ स्टीमर, ये बहुत अच्छा है। ये मल्टी केटल है, इसमें एक केटल एक आता है ना, सिर्फ इसमें हम पानी गर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या क्या मिला है। इसमें एक ग्लास की लीड मिली है, उसके बाद देखिए ये जालीदार, इसमें हम कुछ भी स्टीम कर सकते हैं कुछ रेसिपी वगैरह बनाने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए एग बॉईल करने वाला सांचा मिला है, और फ्रेंड्स इसमें हम केक बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं। और ये देखिए स्टैंड मिला है, ये भी स्टील का है, और ये एक प्लास्टिक का बाउल मिला है, और इसमें हम कुछ भी छोटा सा केक वगैरह या ढोकला बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये 1.2 लीटर का केटल, और इसमें हम बहुत सारी कुकिंग या फिर रेसिपी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये लेना है तो इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी को ना किचन में काम करते हुए दिख रही हूँ, तो ये जो मेरा वाटर फिल्टर है ना, ये स्टील का है, और इसको तो आप जानते हैं मेरे पास यही है, तो इसको मैं अभी वॉश कर रही थी। इसको मैं हर हफ्ते एक बार अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। इसमें जो रहते हैं ना, ये क्या कहते हैं उसको, कैंडल, अंदर का जो तीन कैंडल पत्थर जैसा जो रहता है, उसको मैं साफ़ कर रही थी। और इसको अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी भी है, जैसे नीचे वाला तो ड्रम जो रहता है ना, ये साफ़ रहता है, लेकिन ऊपर वाला ना उसमें बहुत सारी गंदगी आ जाती है, क्योंकि ऊपर से ही फिल्टर होके नीचे आता है, तो ये पानी मीठा नहीं करता है, ये पानी को सिर्फ साफ़ करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इसके कैंडल वगैरह को साफ़ कर दिया है, और अच्छे से वॉश करना पड़ता है इसको, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, पर अभी मैंने कर दिया है। और बस अभी इसमें मैं पानी भरने ही जा रही थी, तो फिर यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि साफ़ भी कर देती हूँ, और ये देखिए मैंने पानी भर दिया है। यहाँ
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने किचन का काम करने के बाद अभी ऊपर आ गई हूँ और ये देखिए मैं आप सभी को अपना प्लांट्स दिखा रही थी। तो ये देखिए ये पान का पत्ता है, ये ऊपर वाला है ना, ये न्यू पत्ता आया हुआ है और इसमें जो दो टहनी आपको दिख रही है ना, इसमें तीन टहनी थी, एक गिलहरी ने काट दिया और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो दो बचे थे, अब एक ही सिंगल बचा हुआ है, एक को और काट दिया। ये गिलहरी ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है, ये पहले मैं बालकनी में ही रखी थी, फिर मैंने उसको अंदर रख दिया, फिर भी वहाँ पर ही परेशान कर रही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो गेंदा का फूल है ना, इसको मैं, ये बहुत लंबी हो रही थी तो इसको मैंने कट करके फिर देखिए यहाँ पे लगा दिया है। ये छोटे छोटे है ना, ये अयांश ने इसके पत्ते तोड़ दिए थे तो इसको भी मैंने ज़मीन में इस तरह से गाड़ दिया है ना, तो वो भी फ्रेश हो गया है बरसात के पानी से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग मैंने वहाँ पे लगाया है एक, और इसी का कटिंग एक मैंने यहाँ पर लगा दिया है, दोनों ये लग गए हैं और दोनों में से ना अलग अलग ब्रांचेस भी निकल गए हैं, अच्छा लग रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ना, इसमें रोज़ फूल खिलते हैं और जो फूल पुराने हैं वो अपने आप झड़ जाते हैं। और ये देखिए ये भी एक फूल था, ये गेंदा का फूल का ही जाती है, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था। और ये देखिए इसमें से देखिए नई नई कली भी होती है और रोज़ इसमें भी खिलती है और रोज़ फिर जो पुराने वाले वो मुरझा के गिर जाता है। और ये वाला फूल जो है ना फ्रेंड्स, ये ना इसमें दो, जब मैं ख़रीद के लाई थी तो दो इसमें सफ़ेद फूल खिले हुए थे, उसके बाद अब से इसमें कोई भी नया फूल नहीं आया है, तो बस अभी नया नया है। और गेंदा का फूल जैसे बड़ा हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा, तो बस अभी मैंने तो इतने ही लाए थे तो यहाँ पर मैंने बालकनी में रख दिया है। और आज ना सुबह से बारिश, रात भर बारिश, इतनी बारिश हो रही है ना, अभी अभी बारिश रुकी थी इसीलिए मैं छत के ऊपर आ गई थी, तो छत के ऊपर आई तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अभी बारिश रुक गई है, मौसम अच्छा हो गया, लेकिन ना जैसे ही अभी ऐसे साफ दिख रहा है ना फिर तुरंत बारिश होती है और अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगती है ऐसे मौसम में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद ही होगा मैंने ना अपने घर के पीछे वो फूल लगा दिया था, तो फिर अभी जैसे यहाँ पर इतनी सारी ज़मीन खाली है तो फिर मैंने उस टाइम यहाँ पे फूल लगाया था ना, वो चांदनी का फूल, तो फिर वो बड़े हो गए, मतलब कि वो लग गया है और वो थोड़े से बड़े भी हो गए अब। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहीं से मैं ना मिट्टी ले गई थी छत के ऊपर, फिर मैंने गोबर वगैरह मिक्स करके सारे गमले में मैंने भरा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं ना यहाँ की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ना, मतलब कि इस वाले एरिया की, तो फिर ना मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, बस यही सेम कमेंट आते हैं कि दी आप यहाँ से मिट्टी ले जा रहे हो, कोई बोलेगा तो नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी ये खाली है और मैं इतनी सारी मिट्टी थोड़ा लेके जा रही हूँ कि मुझे घर बनवाना है या फिर कुछ, गमले के लिए, गमले में तो थोड़ी सी मिट्टी से हो जाती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ना तरबूज दिखा मुझे, और पहले मैं आपसे जब शेयर की थी ना तो मुझे ये लगा था कि ये करेली है, तो फ्रेंड्स ये करेले का पौधा मुझे लग रहा था उस टाइम, पर इसमें एक तरबूज जब फला ना तब मुझे पता चला कि ये करेली नहीं, ये तरबूज का ये बेल था। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ ये छोटा सा तरबूज, लेकिन अभी ये देखिए बड़ा होता है कि नहीं, ये देखिए ये तरबूज का था। और यहाँ पर मैंने देखिए सदाबहार का फूल, पपीता और ये चांदनी का फूल यहीं पे लगा दिया है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये बेल इसके ऊपर जाने के लिए ना यहाँ पे एक लकड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे कर देती हूँ ताकि ये बेल इसके ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि नीचे अगर वो लगा रहेगा ना फल तो वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, फिर वो बढ़ेगा नहीं। अब पता नहीं क्या होगा, मुझे तो इस सब के बारे में नॉलेज भी नहीं है, और मुझे फूल वगैरह लगाने का थोड़ा शौक है शुरू से ही। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं खुश हो गई थी, मैं खाऊँ चाहे ना खाऊँ लेकिन मैं खुश बहुत हो गई थी। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप यहाँ पे करते हो, कोई बोलेगा तो नहीं, मिट्टी यहाँ से लेके जा रहे हो, ये प्लॉट किसकी है, ये ज़मीन किसकी है। तो फ्रेंड्स, आपको जिसकी है वो लोग कोई मतलब कि उखाड़ नहीं देंगे आपके पौधे को, फिर मेहनत बेकार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपकी है क्या, ये भी कमेंट आता है कि दी ये आपकी ही ज़मीन है क्या।
तो फ्रेंड्स ये जो ज़मीन है ना, ये देखिए ये रास्ता है घर के पीछे, तो वो जो बगल वाला जो गड्ढा वाला खेत है ना, उसमें खेती होता है। और मेरे जो घर के पीछे प्लेन ज़मीन अभी हुई है, वो अभी साफ हुआ है, तो वहाँ पे घर बनेगा मेरे घर के पीछे वाले साइड। तो यहाँ पे और कोई प्लॉट खाली नहीं था, तो फिर यही था, यही एक ज़मीन खाली है। और उसके बाद फिर देखिए एक इस ज़मीन के आगे भी एक घर बना है आधा अभी। तो फ्रेंड्स आप सबके कमेंट आ रहे थे कि फिर मैं ये हमेशा मैं बताने के लिए खोजती थी लेकिन मैं भूल जाती थी, तो फ्रेंड्स मैं बता दे रही हूँ ये ज़मीन मेरी नहीं है, और जिनकी है वो उनसे पूछ के ही मैंने लगाया है, वो लोग मना नहीं करेंगे। और यहाँ से मैं मिट्टी भी ले जाती हूँ, तो उसके लिए भी मैंने पूछा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। और जो जिसकी है ना, वो यहाँ पे रहते ही नहीं है, वो बहुत दूर रहते हैं, तो यानी कि यहाँ पे अभी घर भी बनने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना पेड़ पौधा लगा लेती हूँ और पूछ के ही लगाती हूँ। और ये पेड़ पौधा लगाने के लिए कोई मना नहीं करता है, क्योंकि अभी तो खाली ये पूरा खेती है, घर बनेगा तो क्या ही होगा, फूल कट जाएगा और क्या। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप सभी को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये ज़मीन किसकी है, और मैंने कोई ज़मीन नहीं खरीदी है। मेरा तो अभी घर का ही इतना लोन जाता है ना कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कोई और प्लॉट लेने के लिए। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर मैं ये ना जब मिट्टी निकाल रही थी, मैं अभी और पौधे लगाऊंगी ना, तो उसके लिए अभी बारिश हुई थी 2 दिन से लगातार, इसी वजह से मिट्टी बहुत गीली हो गई है, तो अभी मैं ले जाके रख दूंगी और जब लाना रहेगा तो फिर मैं लगा दूंगी। और फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ, बाय बाय। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।